दोस्तों, ह्यूमन एम्ब्रियो कुछ इस तरीके का होता है। हम सभी ये बनकर आगे आए हैं क्योंकि ह्यूमन के डेवलपमेंट में इनिशियली हम ऐसे ही बनते हैं। तो ये एक स्टार्टिंग होती है जब एग और स्पर्म का मिलाप होता है और तब जाके एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट होता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे कि उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो तैयार कर दिया है, जिसकी वजह से इसको बनाने के लिए ना तो एग की जरूरत पड़ी ना स्पर्म की जरूरत पड़ी, डायरेक्टली एम्ब्रियो के स्टेम सेल से ही इन्होंने तैयार कर दिया। अब आप कहोगे क्या इससे बच्चा पैदा होगा आने वाले वक्त में, IVF वगैरह का कोई यूज नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर ये सिर्फ रिसर्च के लिए तैयार किया गया। दरअसल वो देखना चाहते हैं कि मिसकैरेज क्यों होता है, जेनेटिक डिजीज क्यों होते हैं, तो उस तरीके की चीज़ों को जानने के लिए तैयार किया जा रहा है। और एक बात मैं बता दूं कि इसमें जो एम्ब्रियो तैयार हो रहा है उसके अंदर ना हार्ट होगा ना ब्रेन होगा, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये रिसर्च के लिए एक मॉडल कह सकते हो आप। दोस्तों, Amazon ने इंडिया के अंदर एक नई प्राइम मेंबरशिप लॉन्च कर दी है जो कि नॉर्मल प्राइम मेंबरशिप से थोड़ी सी सस्ती है। नॉर्मल वाली आपको 1500 रुपये पर ईयर के हिसाब से मिलती है, लेकिन ये वाली जो प्राइम मेंबरशिप है, इसका नाम पहले बता दूँ, इसका नाम रखा है इन्होंने प्राइम लाइट मेंबरशिप। इसकी खासियत ये है कि आपको ये 500 रुपये सस्ती मिलती है, यानी कि आपको 999 रुपये पर ईयर के हिसाब की मिलती है। लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेज है कुछ, क्योंकि आप सिर्फ 500 रुपये बचा के, अब देख लो कि आप इन डिसएडवांटेज में जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे। सबसे पहली, आपको 1 डे डिलीवरी फ्री में नहीं मिलने वाली, या फिर कह लो सेम डे डिलीवरी आपको फ्री में नहीं मिलने वाली, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। और HD कंटेंट ही आपको देखने को मिलेगा, 4K का कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सिर्फ 2 डिवाइसेस के अंदर ही आप लॉगिन कर सकते हो अपनी प्राइम लाइट मेंबरशिप। और ऊपर से जब भी आप कोई वेब सीरीज वगैरह देख रहे होंगे या मूवी वगैरह देख रहे होंगे, उसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ जो प्राइम गेम का कंटेंट है वो आपको नहीं मिलने वाला। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है पूरे साल में सिर्फ 500 रुपये बचाने के चक्कर में। तो भैया, अगर लेनी है तो सीधा 1500 रुपये पर ईयर वाली लो, वरना लो ही मत। और मेरे हिसाब से तो Amazon को अगर इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट वाला प्लान निकालना ही था तो वो 500 रुपये का निकालता तो सही रहता। उसमें इतनी सारी चीज़ें जो भी जा रही हैं हमारे हाथों से, उसको हम सह लेते 500 रुपये में कि भैया चलो 500 रुपये में हो गया पूरे साल का जुगाड़, की वेब सीरीज वगैरह भी देख लेंगे HD वाली और ऊपर से एडवर्टाइजमेंट भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो भैया सीधा ही इन्होंने सिर्फ 500 रुपये का अंतर रखा है, तो उसको क्या ही देखना। 500 रुपये ज़्यादा दो और ऊपर से सारी चीज़ें एंजॉय करो फिर पूरे साल के लिए। दोस्तों, इस तरीके की जगहों पर जाने में मज़ा तो आता है कि एक दो दिन रह के आ गए, बड़ा आराम मिला, खाने पीने का सब इंतज़ाम आपको हुआ के मिल गया। लेकिन जो लोग वहाँ पर परमानेंट रह रहे होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो जगह है, ये UK का एक बहुत ही रिमोट आइलैंड है जिसको पापा स्टार भी कहा जाता है, जहाँ पर बहुत ही स्लो इंटरनेट आया करता था। लेकिन वन वेब ने अपने लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट की मदद से यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि SpaceX वाले तो नहीं आने वाले थे, क्योंकि यहाँ रहते ही सिर्फ 12 परमानेंट रेजिडेंट है, मतलब 12 घर ही हैं। तो उनके लिए इन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट का जुगाड़ कर दिया कि भैया तुम भी इंजॉय करो हाई स्पीड इंटरनेट को। अब देखो, कहने वाली बात तो ये है कि भैया इंटरनेट वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आप बड़ी बात ये देखो कि सिर्फ 12 सिटीजन थे उनके लिए सारी सुविधा प्रोवाइड की गई। वरना कह देते कि यार 12 लोगों के लिए क्या करें, इनसे कितने वोट मिलने वाले, UK का कोई भी बंदा कह देता जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा गूगल ने प्राइवेसी को लेके, कि यूज़र की प्राइवेसी को लेके हम ऐसा करते हैं कि वार्निंग जारी कर देते हैं जब भी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब कई सारे फ़ोन ऐसे हैं जिसके अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे सैमसंग के फ़ोन हो गए जिसके अंदर जब आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे सामने वाले को मालूम तक नहीं चलता है, लेकिन कई सारे फ़ोन में मालूम चल जाता है क्योंकि एंड्रॉयड के API में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो लोग अगर थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर ट्रू कॉलर ने वैसे तो अनाउंसमेंट कुछ नहीं करी है कि हमने ये फीचर ले आए हैं, वो ले आए हैं, कर दिया है, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं करी है। लेकिन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर iOS और एंड्रॉयड के अंदर। लेकिन दिक्कत वाली बात पता है इन्होंने क्या करी, कि इन्होंने सिर्फ प्रीमियम यूज़र को ही ये फैसिलिटी दी है कि भैया वही यूज़ करो, बाकियों के लिए तो नहीं कर सकते हम कुछ भी प्रबंध। लेकिन मैं आपको सस्ता जुगाड़ बताता हूँ कि आप गूगल फ़ोन ऐप को यूज़ करो, उसके अंदर आ जाता है इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डर। दोस्तों, चाइनीज़ एयरलाइन ने एक ऐसा डिसीजन निकाला है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है वहाँ के लोगों से। दरअसल उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है जो कि ओवरवेट हो चुकी हैं। अब ओवरवेट क्या होता है कि देखो, यहाँ पे सिंपल सी मैथ लगाई है इन्होंने कि आपकी हाइट सेंटीमीटर में नापें फीमेल की और उसको माइनस कर दें 110 से, तो जो चीज़ निकलेगी ना
वो आपका वेट होना चाहिए। उससे कम हो जाए तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो किसी की हाइट है 160 सेंटीमीटर, उसमें से 110 को माइनस किया तो आ गए 50 केजी, तो 50 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम चलेगा, उतना भी चलेगा, 50 केजी भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना उनको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो, वेट कम हो फ्लाइट के अंदर उतना अच्छा रहता है इन कंपनीज़ के लिए, क्योंकि ये तो भैया ज़रा ज़रा सा फ्यूल बचाते हैं कि भैया लैंडिंग भी ऐसे कर दो कि जिसमें फ्यूल खर्च ना हो, ऐसे ही कर दो। दोस्तों, इंडिया के अंदर आपने कई सारे फूड ब्लॉगर को देखा होगा जो कि उल्टी सीधी चीज़ों के ब्लॉग बना तो रहे हैं, लेकिन चाइना के अंदर जो हो रहा है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देगा। दरअसल चाइना के अंदर एक डिश बनाई जा रही है जिसको साउडियो कहा जाता है, इसका मतलब कि चूसो और फेंक दो। तो वहां का एक स्ट्रीट वेंडर है जो कि सेल कर रहा है फ्राइड पेबल्स, मतलब कि पत्थर जो होते हैं ना उनको फ्राई कर रहा है, उसमें सब्जी वब्जी मिला रहा है, छोक वगैरह लगा रहा है, और तो उसमें से बंदा क्या करेगा, छाट छाट के चीजें निकाल लेगा, और जो पत्थर होंगे पत्थरों में टेस्ट होगा लेकिन उसको खाया नहीं जा सकता है, उसको बस चूसना है फेंकना है, चूसना है फेंकना है, इस तरीके की चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से चलो बंदा खर्च तो करेगा यहाँ पे 100-150 रुपये इसको खाने के लिए, करेंसी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटेगी क्योंकि सिर्फ वो मसाले चाट के फेंक रहा है। तो वहाँ पे तो देखो पत्थर भी बनाए जा रहे हैं, मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि ये नुस्खा बहुत ही जल्द देखो इंडिया के अंदर भी आ सकता है। हैरान मत होना अगर किसी को आप देखो कि वो पत्थर पका के दिखा रहा है कि भैया ये बहुत ही बढ़िया पत्थर पकाता है, आइए देखिए।